नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम जानेंगे LDO के बारे में कि ये LDO क्या होता है। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा आपको कि देखो, हमको वोल्टेज अगर ज़्यादा से कम करनी है क्या, फिर कहीं हमें अपने सर्किट में वोल्टेज चाहिए, तो हम वोल्टेज रेगुलेटर लगाते हैं जो कि नॉर्मली आपको मिलती हैं 7805 78 की जो सीरीज होती है वो हमारी लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर है। देखो वोल्टेज रेगुलेटर दो प्रकार के होते हैं, एक होएगा लीनियर, दूसरा है स्विचिंग। लीनियर है जिसमें हम ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं और जो भी हमारे पास फालतू वोल्टेज है, जो भी एक्स्ट्रा पावर है, वो हम उसको एज अ हीट उष्मा के रूप में हम उसको बाहर निकाल देते हैं, तो लीनियर है। स्विचिंग में क्या होता है कि हम जो ट्रांजिस्टर है बीच में उसको स्विच करते हैं, उसका वो जो ड्यूटी साइकिल है, मतलब कितने समय वो ऑन रहेगा कितने समय ऑफ रहेगा, उसको हम वेरी करते हैं और हमें बिल्कुल स्टेबल आउटपुट, रेगुलेटेड आउटपुट निकाल पाते हैं। लीनियर जो होता है वो इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता, क्योंकि इसमें अगर थोड़े एम्पियर्स के लिए तो चलता है, ज़्यादा एम्पियर का जब रहेगा ना और वोल्टेज डिफरेंस बहुत ज़्यादा रहेगा, मानो आपको 30 वोल्ट से 5 वोल्ट लेके आना है तो 30 वोल्ट 5 वोल्ट बीच में जो 25 वोल्ट का अंतर है वो सब ट्रांजिस्टर खाना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी। SMPS में ऐसा नहीं होता, SMPS में हमें बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पे स्विचिंग करते हैं उसकी और वो एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा निकल के आती है, वोल्टेज ड्रॉप और पावर लॉसेस बहुत कम होते हैं। SMPS की तो पूरी रेंज आने वाली है, तब सारा और डिटेल में बताऊँगा। लीनियर के बारे में हमने ऑलरेडी जान चुके हैं, पहले 7805 की सीरीज पूरी हमने देखी है, 7800 की। अब हम बात करेंगे LDO की। अब LDO क्या है, इन दोनों के बीच का आइटम है। पीछे कैसे है ये लीनियर, ये बात ध्यान रखनी है, ये लीनियर। स्विचिंग में क्या होता है कि हाई फ्रिक्वेंसी पर काम होता है, तो मान लो मेरे जो सर्किट को मैं पावर दूंगा उसमें रिपल्स वगैरह आने के बहुत चांस होते हैं। सेकेंडली, अब इसकी एक नॉइज है, इसकी एक फ्रिक्वेंसी है, जिस फ्रिक्वेंसी पर मेरा जो कंट्रोल सर्किट है, दूसरा सर्किट जो है जिसको ये पावर दे रहा है वो काम कर रहा है, वो जो है गड़बड़ा जाता है अगर ये सही फ्रिक्वेंसी पर ना। तो क्या करा, इसके बीच का हिसाब निकाल लिया। बीच का हिसाब क्या है, जो लीनियर स्विचिंग, लीनियर जो होती हैं रेगुलेटर्स होते हैं, इनमें कम से कम जो वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो 2 वोल्ट तो चाहिए ही चाहिए। यानी कि अगर मेरे को 5 वोल्ट चाहिए ना, तो मेरे को फिर 2 जोड़ के यहाँ 7 वोल्ट तो मैं दूंगा। 7805 भी है, 2 वोल्ट तो मेरा रेगुलेटर खा जाएगा, चाहिए उसको। स्विचिंग की अगर बात करेंगे, स्विचिंग में ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं होता, इसमें 0.7 0.2 का भी चल जाता है, बाकी डिपेंड करता है फीडबैक वोल्टेज पर और उसका रेफरेंस वोल्टेज कितनी है उस पर डिपेंड करता है। तो स्विचिंग में लेकिन क्या नुकसान आ जाता है, फ्रीक्वेंसी का आ जाता है, नॉइज़ आ जाती है, फ्रीक्वेंसी का इंटरफेरेंस आ जाता है। फिर हमने इन दोनों के बीच की चीज़ निकाली, वो है LDO। LDO क्या होता है, लो ड्रॉप ड्रॉप आउट। मतलब इसमें क्या है कि जो ड्रॉप आउट वोल्टेज है, जो बीच का जो गैप है वो बहुत कम होता है, हार्डली 0.6 बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, 0.4 तक मैक्सिमम रहता है इसमें। तो ये हमारा इसके मुकाबले बहुत सही रहता है, नॉर्मल जो लीनियर हैं उनके मुकाबले बहुत सही रहता है। लेकिन हाँ, ये ज़्यादा करंट में नहीं होते, हमने जो आज तक इस्तेमाल करे हैं, नॉर्मली जो इस्तेमाल होता है, मैं भी करता हूँ, वो LM2950 है। ये 3 टांगों का ये होता है, जैसे हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं ना उस टाइप की शेप में रहता है। SMD पैकेज भी आ रहे हैं इसके, लेकिन मैंने जो ज़्यादातर यूज़ करा है वो यही यूज़ करा है। इसके आगे फिर डैश होके जो वोल्टेज होती है ना उसकी मार्किंग इसके ऊपर होती है, 5 वोल्ट का है, 3.3 का है, जितने का भी होता है वो इस तरह की मार्किंग होती है। तो लो ड्रॉप आउट क्या है कि लीनियर रेगुलेटर और स्विचिंग रेगुलेटर के बीच का एक एडजस्टमेंट है, जिसमें कि हमको वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम मिलता है, लॉसेस बहुत कम मिलते हैं, इसलिए एफिशिएंसी भी हमारे सर्किट की बढ़ जाती है। इसमें कोई अगर पॉइंट में छूट गया हो, मेरा नहीं याद रहा हो, मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, और कोई भी आपका डाउट हो वो भी मेरे को बताना। धन्यवाद।